लला क्या चाहिए? क्वाची पापा, क्वाची क्वाची वो वो क्या चाहिए? क्या चाहिए पापा, जल्दी बोल क्या चाहिए। अब ये लल्ला वहां क्यों जा रहा है पता है क्या? बार बार बताती हूँ मैं क्यों जा रहा है, वो देखो आवाज भी देगा। लल्ला क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए पापा, क्या चाहिए? ओ क्या चाहिए? हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए बोल जल्दी, क्या चाहिए? वो क्या चाहिए लल्ला? छोनी क्या चाहिए पापा, क्या चाहिए? ये देखो रात के 11 बजे है और लल्ला ने मेरे को बागड़े फ्राई करने पे मजबूर किया है क्योंकि वो चिकन खा ही नहीं रहा है। देखो ना, चिकन नहीं खाना है ना पापा को, देखो आखिर उसके लिए मुझे अब भी करना पड़ रहा है, क्या करूं? देखो किस हालत में उसने मुझे परेशान करने लिया है, बागड़े हो रहे ना पापा, हो रहे ना, उसको सबर ही नहीं है, क्या करूं? देखो सबर नहीं है, बस उसको बागड़ा खाना है और करना पड़ रहा है क्योंकि चिकन खा ही नहीं रहा। देखो चिकन नहीं खा रहा है जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, क्योंकि भूखा रहेगा तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, अभी मैं फटाफट करके उसको खिलाऊंगी, तब तक वो शांत भी नहीं बैठेगा। देखो देखो आ छोटी आ, क्या करूं, क्या हुआ? इतनी इतनी रात गए करने, इतना कंटाल आया था ना मुझे, लेकिन क्या करूं। आज मैंने ना कुछ मंगाया, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया था 3 दिन पहले, जो कि आ चुका है। बस मैं वही बताने वाली हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो अभी मुझे याद इसलिए आया, भूल गई थी कि मुझे बर्तन करने के थे ना, ये देखो इतने सारे बर्तन है, तो मैंने सोचा चलो इसको निकाल लेती हूँ ना। तो ये इस तरीके से है, अभी ये कौन सा वाला है, अच्छा है बुरा है मुझे पता नहीं है, और ये इस तरीके से है, ये देखो ये। तो ये डिब्बा है, इसको पहले साफ करना चाहिए क्या, जरूरी नहीं है। और ये इसको पाइप जैसा कनेक्शन दिया गया है जो नीचे तक जाएगा। और क्या करना है पता है क्या, किसी किसी को हो सकता है समझ में आया भी हो, इसके अंदर लिक्विड डालना है, जैसे कि मैं मेरा अभी ये लिक्विड डाल दूंगी उसके अंदर, इसके अंदर, और इसको सिर्फ ना ऐसे नीचे रखना है ऐसे, और इसको ऐसे प्रेस करना है, तो यहाँ तुरंत लिक्विड आ जाएगा और फिर बर्तन घस सकते हो। तो इसके लिए मैंने स्पेशल मंगाया है, लेकिन थोड़ा मेरे ख्याल से छोटा चाहिए था, काफ़ी बड़ा है। ये रहा लिक्विड डालने के बाद, ऐसा लगेगा, मस्त है ना, और इसको ऐसे से प्रेस करना है। सही है। टाइम देखो क्या हुआ है रात का, और ये रहा मेरा वीडियो, ये देखो इसको मैं अब भी पब्लिश कर रही हूँ। अब भी पब्लिश हो गया है, और देखा 2:40 हो गए रात के, और ये देखो देखो किस तरह से सब सोए हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखो रात में इतना लेट होने के बाद भी सुबह सुबह इतनी जल्दी नाश्ते की तैयारी की कि क्या दानिश फाइनली जा रहे हैं, तो इसके लिए अभी मैं उनको नाश्ता दे रही हूँ, गर्मा गर्म हो भी। तो ये रहा नाश्ता और ये रही दानिश। दानिश जी सलाम करोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह से और दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जितने व्यूअर्स है और जितने चाहने वाले सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, बेशुमार दौलत से माला माल रखे और अपने आमाल में रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन। फिर इतने जल्दी सुबह सुबह नाश्ता, इतना 3 बजे सोने के बाद भी, बताओ कैसा लग रहा है? तेरा क्या कहना, फिर कभी हमने शिकवा किया क्या? नहीं ना, मतलब हाँ ऐसा बोल रही हूँ, किया ऐसा नहीं,
तो बताओ कैसा लगता है फटाफट खाके श्रीखंडू? क्या ऐसा है क्या खाके बता देगा? हाँ श्रीखंडू खाके बताऊंगा कैसा क्या। लेकिन श्रीखंड खाओगे थोड़ा? नहीं नहीं खाओ ना थोड़ा सा। नहीं थोड़ा सा बच्चे लोग खाते। बच्चे लोग नहीं खा रहे दानू? हाँ तू हम लोग तेज खाते तेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज जो कल मैंने बनाई थी भाजी वही थी बस, पराठे फ्रेश फ्रेश बना रही हूँ क्योंकि दानिश को वही खाना था। दानू इतनी वाला तो भी लो ना श्रीखंड का। हाँ जाते हो तो चलो अभी मैं बाकी का फटाफट करती हूँ। ये देखो दानिश के साथ बोलते रह गई तो अच्छा है सही टाइम पे आई। ये ऐसे मस्त इसके परती है देखो सब निकलते ऐसे पूरे अलग अलग होते। अभी मैं बताती हूँ नान कटाई की रेसिपी। एक कटोरी मैंने घी लिया है और वही सेम कटोरी भर के शक्कर लेनी है जो मैंने मिक्सी में पीस कर ली है। और इसको खूब सारा मिक्स करना है बहुत ज़्यादा। ये मिक्सिंग ही मेन है। हाँ क्या ये देखो मैंने शक्कर और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ। और ये देखो ये एक कटोरी लिया मैंने मैदा, छोटी एक कटोरी लिया बेसन और ये मैंने 4 चम्मच छोटे मतलब देखो ये कटोरी से थोड़ा कम है इतना मैंने ये रवा लिया है यानी सूजी। और डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ये देखो और 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। ये जो रेसिपी की वीडियो डाल रही हूँ ना ये कुछ दिन पहले मैंने शूट की थी लेकिन मैं उसको डालना भूल गई थी जो कि मैं आज डाल रही हूँ। ठीक है अच्छे से देखो ट्राई करो। 1 चम्मच डालूँगी मैं इलायची पाउडर। और इसको अभी मैं हाथ से ही मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर ना दूध जाएगा और ना तो पानी जाएगा। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है तो आप वापस थोड़ा सा उसके अंदर घी ही डाल दो, पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखो ये मेरा आटा गूंद के बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और अभी मैं ये ट्रे लूँगी और इसको थोड़ा सा घी लगा के उसके ऊपर बटर पेपर बिछा दूँगी
एकदम बड़े नहीं बनाऊंगी मैं, छोटे छोटे ही बनाऊंगी। इसको ज्यादा गूंदना नहीं पड़ता, मस्त अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा है ये भी बड़ा है। ये देखो इस तरीके से मैं सब बना के लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ये देखो मेरे नान कटाई बन के रेडी है, और भी बने हैं जो मैं दूसरी बार दोबारा रखूँगी। और इसके ऊपर मैंने पिस्ता लगा दिया है ताकि अच्छा लगे। और यहाँ मेरा ओवन भी अभी रेडी होने ही वाला है। देखो ओवन फ्रीट हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर रख देती हूँ। अभी मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए रखने वाली हूँ, बस होगा ना 20 मिनट। अभी होने के बाद बताती हूँ। देखो मामा कितने माशाल्लाह मेरे नान कटाई बनके तैयार है। प्लीज़ एक बार रेसिपी ट्राई करो, परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो बच्चे बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे हो गए। इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना दालू, बहुत माशाल्लाह। देखो दानिश बोल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बेकरी में बैठा हूँ। बहुत बहुत अच्छे लग रहे, एक बार बना के ट्राई करो।